हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नॉलेज स्काय आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज स्काय में आई एम योर एजुकेटर प्रिया आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट फाइव ऑफ आर वीडियो पार्ट फाइव डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ ये जो सीरीज़ है ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वेदर इट इज़ यू पी एस सी यू पी एस सी ई पी एफ ओ एस एस सी स्टेट पी एस एंड एन टी पी सी ग्रुप डी ग्रुप सी सभी जितने भी एग्जाम्स में हिस्ट्री आती है उन्हीं सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन शिवाजी एंड द राजा जय सिंह टुक प्लेस इन जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है वो किस ईयर में हुई थी राजा जय सिंह के बीच में और शिवाजी Uh, के बीच में तो वो हुई थी 1665 में ठीक है तो इस ट्रीटी में क्या था कि जब ये ट्रीटी हुई थी uh, uh, ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये साइन हुई थी 11 जून 1665 में बिटवीन राजपूत रूलर जयसिंह फर्स्ट एंड मुग मराठासर छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में जब शिवाजी महाराज को रियलाइज़ हुआ कि मुग़ल एम्पायर जो मुग़ल एम्पायर है वो उनको डैमेज पहुंचा रहा है उनके जो मेन हैं उनको भी ह, ह, हैवी लॉस फेस करना पड़ रहा है तो उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि वॉट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी इस ट्रीटी के मेन पॉइंट्स क्या थे इसका आंसर आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू है हु अमंग द फॉलोइंग मराठा ऑफिसर लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की देखरेख कौन सा मराठा ऑफिसर करता था तो इसका आंसर होगा आप सब बताइए मुझे इसका क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा अमात्य ये एल नहीं है ये टी है ए एम ए टी वाई अकाउंट जनरल भी आप इसको बोल सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये देख रेख करते थे अभी जो मराठा थे इनके आठ अष्ट प्रधान थे आठ प्रधान थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे पेशवा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख देख की देख रेख करते थे अमात्य रिवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे सचिवा इनका स्टे बिटवीन अदर स्टेट्स की देखभाल करते थे देखते थे कि दूसरे स्टेट्स का देख रेख जो भी करना होता था वो सचिव करते थे बाकी सुमंत जो थे वो थे मास्टर ऑफ सेरेमनी ठीक है जितने भी फंक्शंस रिचुअल्स वगैरह जो भी होते थे उन सारी सेरेमनीज़ को वो देखते थे आप सबके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो चार और प्रधान रह गए हैं मराठास के उनके क्या क्या नाम थे और क्या क्या उनका डिपार्टमेंट था ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आंसर बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर टू क्लियर है आप सबको चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन द थर्ड बेटल ऑफ पानीपत मराठा वर डिफीटेड बाय पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को किसने हराया था ऑप्शंस आपके सामने हैं जल्दी से आंसर बताइए इसका इसका आंसर है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाज व डिफिटेड बाय अफगान ठीक है अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई कब थी 14 जैन 1761 में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जैन 1761 में हुई थी प्लेस पानीपत था किसके बीच में हुई थी मराठा एम्पायर के बीच में और अफगान के बीच में हुई थी और जीते कौन थे अफगान जीते थे अभी आप सब मुझे बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुई थी किसके बीच में हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुई थी और किसके बीच में हुई थी ठीक है चलिए मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पागा इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन है इंडिपेंडेंट सोल्जर्स बी स्टेट डिपेंडेंट सोल्जर्स सी प्रोफेशनल सोल्जर्स एंड डी सोल्जर्स अदर कंट्री इसका आंसर है स्टेट डिपेंडेंट सोल्जर्स ठीक है क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फोर चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ साहू ठीक है कौन था फर्स्ट पेशवा ऑफ साहू तो ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव एंड माधवराव ठीक है आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है बालाजी विश्वनाथ सेवेंटीन थर्टीन टू ट्वेंटी ठीक है ये कौन थे सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा थे अब पेशवा को मराठास का का एम्पायर क्यों दे दिया था बिकॉज जो साहू जी थे उनका कोई बेटा नहीं था तो इसीलिए तो इसीलिए पेशवा को राज्य संभालने के लिए दे दिया था अब इस क्वेश्चन इस मराठास में से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनते हैं आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मराठा का रूलर कौन था लीडर ऑफ मराठा कौन सी कलान से वो बिलोंग करता था उसका ट्यूटर कौन था ठीक है ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हमारे आज की सीरीज़ यहाँ पे ही ख़त्म होती है थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे